हेलो बच्चों, वेलकम टू एपी ट्यूटर्स। तो आपको बता दें, 2022 से 23 का जो सैंपल पेपर है वो सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। तो एक एक करके हम पैटर्न समझ लेंगे बेसिक और स्टैंडर्ड का। आपको बता दें कि नंबर्स का जो पैटर्न है वो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का सेम रहने वाला है। बस हम क्वेश्चन का टाइप देखेंगे कि बेसिक के क्वेश्चन कैसे आए हैं और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो पहले बेसिक का समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और टोटल जो मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स, वो 80 का होगा। और इस बार टोटल आपके 5 सेक्शन आने वाले हैं, ए बी सी डी और ई, है ना। अब समझते हैं कि इसमें जो आपका सेक्शन ए होगा ना, वो उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी एमसीक्यू होगा, और सब एक नंबर का होगा। और ये भी आप समझ लीजिए कि 20 में लास्ट वाला जो दो है, यानी कि 19 और 20 वाला, वो एसर्सन रीजन वाला क्वेश्चन होगा। उसको देखेंगे आगे कि कैसा होगा क्वेश्चन। फिर आपका जो सेक्शन बी है उसमें 5 शॉर्ट आंसर वाले होंगे, है ना, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। छोटे वाले क्वेश्चन होंगे, 2-3 लाइन वाले, है ना। फिर सेक्शन सी के अंदर जो है ना, 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और वो 3 नंबर वाले होंगे, यानी 2 नंबर से थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, मतलब सेक्शन डी की अगर हम बात करें, तो उसमें 4 लॉन्ग आंसर्स होंगे, है ना, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन वाले होंगे, है ना, और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ये पहली बार हो रहा है ना कि 5 नंबर मिल रहा है आपको, 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, है ना। और अगर सेक्शन ई की बात करें तो उसमें 3 केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा, जो कि आप पहले भी कर चुके हो, है ना, केस स्टडी क्वेश्चन होगा, ठीक है, और इसके लिए आपको 4 मार्क दिए जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, है ना, विथ सब पार्ट ऑफ द वैल्यू 1, 1 और 2, मतलब उसके अंदर ही 1, 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसको समझेंगे कैसा होगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब कहने का मतलब इंटरनल चॉइस आपको नहीं दिया जाएगा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अच्छा, इसमें चॉइस भी दिया जा रहा है, 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क का चॉइस दिया जाएगा और 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स का। कुछ चॉइसेस हैं, हर क्वेश्चन में चॉइस नहीं है, है ना। 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स हैज बिन प्रोवाइडेड, इंटरनल चॉइस भी गिवन है, क्या है वो हम देखेंगे आगे। एन इंटरनल चॉइस हैज बिन प्रोवाइडेड इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। अब आगे देखिए, ये कह रहा है कि ड्रॉ नीट फिगर्स वेर एवर रिक्वायर्ड, टेक पाई इक्वल टू 22/7 वेर एवर रिक्वायर्ड, जहां जरूरत है पाई का वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो। तो ये था आपका। अब आते हैं सेक्शन ए पे। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन है, उसमें लास्ट का 2 मैंने पहले ही बता दिया, सर्टन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, ये किससे लिया गया है, रियल नंबर से लिया गया है ना, पी दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर क्यू दिया हुआ है, ए के पावर में 3b, और फिर उसके बाद आपको एलसीएम ऑफ पी क्यू बताना है। डिटेल में इसका जो वीडियो है ना, मैं अलग से बनाऊंगा, उसमें आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा, अभी बस देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड व्हिच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स, ये भी रियल नंबर का ही क्वेश्चन है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें के का वैल्यू बताना है, पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है, है ना। फिर कह रहा है ग्राफिकली पेयर ऑफ इक्वेशंस, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय दिस रिप्रेजेंट 2 लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग, ये सब मतलब लीनियर इक्वेशन का है ये वाला क्वेश्चन, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो ट्रायंगल चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, चूंकि कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो सर्कल चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो ट्रिगो से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये भी ट्रिगो का है। क्वेश्चन नंबर 12 भी ट्रिगो का है, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, पेरीमीटर की बात कर रहा है ना, मतलब मेंसुरेशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ये भी मेंसुरेशन का है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, तो ये भी मेंसुरेशन का है, सर्फेस एरिया वॉल्यूम का, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो स्टैट्स का है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, तो ये भी स्टैट्स का है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी का है ये क्वेश्चन, है ना। फिर 19 और 20 एसर्सन रीजन वाला है, इसमें एसर्सन और रीजन दिया हुआ है और ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि दोनों सही है या फिर एक सही है या फिर क्या सही है क्या गलत है, ये बताना है। इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 20 भी एसर्सन रीजन वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, वो रियल नंबर से लिया गया है, एलसीएम एससीएफ की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ये कोऑर्डिनेट से, चूंकि कोऑर्डिनेट्स की मैंने उससे लिया गया है। इसको डिटेल में हम लोग ना अच्छे से करेंगे, एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अब सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले। तो 21 नंबर यानी सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है वो लीनियर का है,
है ना। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ट्रायंगल चैप्टर से लिया गया है इसका, इसमें इंटरनल चॉइस भी गिवन है, या तो आप नीचे वाला कर लो या तो ऊपर वाला कर लो, ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल चैप्टर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात कर रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन हो गया ये। 24 नंबर की बात करें, ट्रिगो का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, है ना, ध्यान से देखो आप। 25 की बात करें तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, यही मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया है ना। फिर सेक्शन सी में आते हैं, सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क, है ना, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव डैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इरेशनल नंबर होता है, ये प्रूफ करना है, रियल नंबर का क्वेश्चन हो गया। 27 की बात करें, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल का हो गया ये। फिर 28 नंबर की बात करें, क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, सी टेक्स फिक्स्ड चार्जेस, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, प्लेसेस ए एंड बी, ये भी लीनियर का ही क्वेश्चन हो गया है ना। फिर 29 नंबर की बात करते हैं, ये सर्कल चैप्टर का हो गया है ना, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, इसमें दो इंटरनल चॉइसेस, एक इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, कोई एक आप कर सकते हो, दोनों ही ट्रिगो का है। 31 नंबर क्वेश्चन टू डाइसेस की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सेक्शन डी में आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले, है ना, ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ 5 नंबर, वैसे मैक्सिमम 4 नंबर ही होता था, पहली बार हो रहा है कि 5 नंबर भी दिए जा रहे हैं। और हम लोगों का मानना भी था कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो 5 नंबर मिलना चाहिए। अब इसमें देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस टेक्स ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। मोटर बोट वाला है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। 33 की बात करें तो ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है। 34 की बात करें तो मेंसुरेशन का हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम का, इंटरनल चॉइसेस, दोनों ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। तो इससे ये पता चलता है बेसिक वालों की एनसीईआरटी तो पूरा कर जवाब है ना, ये फिगर आपने देखा ही होगा एनसीईआरटी वाले बुक में, और दूसरा वाला भी देखा होगा आपने, है ना। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन कर जाओ, अच्छे से कर जाओ, ठीक है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टैट से लिया गया है। फिर सेक्शन ई में आ जाते हैं, केस स्टडी वाला, है ना। केस स्टडी में क्या होता है ना, कोई भी किस्सा कहानी या स्टोरी सुना देते हैं, उस पर फिर क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर देना होता है। तो ये इन द मंथ ऑफ अप्रैल जून 2022 पैसेंजर्स करके ऐसे करके दिया हुआ है। फिर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर 12th ईयर, इसी से पता चल रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, या फिर इसी में और करके, इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000 कार्स, या तो आप पहले का 3 कर लो या फिर ये और वाला कर लो, ठीक है ना, मतलब कोई एक कर लो आप, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकेंड तो करना ही करना है, थर्ड वाले में इंटरनल चॉइस गिवन है, या तो आप टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर बता दो, या फिर इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000 कार्स, ये कर लो आप, मतलब तीसरे वाले के लिए फर्स्ट सेकेंड तो करना ही करना है। केस स्टडी 2 जो है, इसमें भी किस्सा कहानी सुना दिया, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चंस आ गए नीचे, और देख के पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, चूंकि 3:2 में डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन होगा ये। इसमें भी देखिए तीसरे वाले में ना इंटरनल चॉइस गिवन है, या तो आप ऊपर वाला कर लो या तो नीचे वाला कर लो। 38 नंबर भी केस स्टडी क्वेश्चन है ना, और ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का क्वेश्चन है। जैसे ये फिगर उगर दिख जाए ना, 30 डिग्री, 30 एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ जाओ कि वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का है ना। इसमें भी देखिए फर्स्ट सेकंड का तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन के लिए ना इंटरनल चॉइस गिवन है, पहला और दूसरा ऑप्शन जो है 1-1 मार्कर है, और ये थर्ड वाला जो है 2 नंबर का है, मतलब मिला के हो गया 4 नंबर, वो पहले ही हम लोगों ने देख लिया था। तो ये हो गया बेसिक का पेपर, है ना, तो बेसिक वालों के लिए है, ज़्यादा कठिन नहीं। एक बात आप लोग समझ लो, अगर आप बेसिक में हो, स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारी स्टैंडर्ड लेवल का ही करना है ना, ऐसा नहीं कि बेसिक लेवल का तैयारी करेंगे आराम से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करो ताकि बेसिक का पेपर जो है वो अच्छा हो। अब देखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड का कैसा आया है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, है ना। पहली बात तो मार्किंग स्कीम ये इसमें सेम ही होगा, है ना, जितने MCQs वहाँ पे थे उतने ही यहाँ पे होंगे, सेक्शन ABCDE यहाँ पे भी होगा, 3 घंटे ही मिलेंगे, है ना, 3 घंटे ही यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे भी 3 आवर अलाउज है ना। फुल मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 है, ठीक है, और इसमें भी सेक्शन ए से लेकर के ई तक 5 सेक्शन दिए गए हैं, पहले 4 ही होता था ना, पहली बार हो रहा है कि ई भी दिख रहा है यहाँ पे। सेक्शन ए में 20 MCQs हैं, 2 यहाँ भी असर्शन रीजन वाला होगा, है ना। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन 2 नंबर वाला, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है ना 3 नंबर वाला, सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन 5 नंबर वाला, है ना, और सेक्शन ई में 3 केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा, और उसके अंदर सब पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 1 नंबर का होगा, पार्ट 2 भी 1 नंबर का होगा, और पार्ट 3 2 नंबर का होगा, जिसमें इंटरनल चॉइस गिवन होगा, है ना, एक चॉइस गिवन होगा जो कि हम लोगों ने बेसिक वाले में देख लिया है।
सब कुछ सेम है यहाँ पे, है ना। तो अब आप कहोगे कि सर दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन का लेवल, जैसे अभी हम लोगों ने बेसिक का देखा कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, है ना, स्टैंडर्ड देखोगे तो लगेगा नहीं इसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे वाले हैं, है ना, और उतना भी बड़ा अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो बेसिक वाले हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ईजी मतलब ए बी सी डी दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हल्का सा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर वन देखिए, मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना ज़्यादा बहुत अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है ना, रियल नंबर से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये पॉलिनोमियल से तीसरा नंबर, चौथा नंबर जो है वो लीनियर का क्वेश्चन है। पाँचवें नंबर की बात करें कोऑर्डिनेट का 3, 4, -2, 3 ये सब दिख रहा है। सिक्स वाले की बात करें तो ज्योमेट्री यानी ट्रायंगल चैप्टर से लिया गया है। सेवन की बात करें 10, 30 कॉस देख के बता सकते हो आप, ट्रेगो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो ये भी ट्रेगो का है। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो ट्रायंगल चैप्टर का है ना। फिर क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें तो ये भी ट्रायंगल चैप्टर का, AD पैरेलल टू BC है ना, ट्रायंगल चैप्टर का ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन, सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन हो गया ये। 13th की बात करें द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहा है, सर्फेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें मॉड मीडियन की बात कर रहा है, इसका मतलब है डाटा हैंडलिंग यानी कि स्टैट्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 रोलिंग है ना डिस्टेंस, मतलब सर्कल चैप्टर का हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन के अंदर आ जाएगा वो। 16th नंबर स्टैट्स का हो गया। 17th नंबर टू डाइसिस की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी का हो गया। 18th नंबर ट्रिगो का हो गया, साइन कॉस दिख रहा है ना। फिर 19 वही असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इसमें जो 19 नंबर है एलसीएम एससीएफ की बात कर रहा है, मतलब रियल नंबर चैप्टर का हो गया है ना। फिर 20 नंबर में आ जाते हैं असर्शन रीजन, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। सेक्शन बी में आते हैं, 5 क्वेश्चन है 2 नंबर वाला। 21 नंबर क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन देख के पता चल रहा है। 22 की बात करें ट्रायंगल चैप्टर का, 23 की बात करें सर्कल चैप्टर का है ना। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का हो गया ये क्वेश्चन है ना। इसका जो और वाला पार्ट है ना, इसमें इन द गिवन फिगर रेडियस की बात कर रहा है, ये भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आते हैं 25th में, साइन कॉस दिख रहा है मतलब ट्रिगो का है, इसमें इंटरनल चॉइस गिवन है, ये भी ट्रिगो का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन सी की बात करें 6 क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें 26 नंबर क्वेश्चन रियल नंबर का है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, पॉलिनोमियल चैप्टर के। 28 नंबर की बात करें ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन, ये आई थिंक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया है ना। फिर इसके नेक्स्ट वाले में अनुज हैड सम चॉकलेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड बी ही हैज फर्स्ट लॉट ऑफ रेट, इतना 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 इतना, आई थिंक क्वाड्रेटिक का या फिर लीनियर का हो जाएगा है ना, लीनियर का क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी लीनियर के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं ट्रेगो का, 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं सर्कल चैप्टर का, इसमें इंटरनल चॉइसेस गिवन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी सर्कल चैप्टर का है ना। 31 नंबर की बात करें प्रोबेबिलिटी का, सेकंडली 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है ना किसका हो जाएगा, ये टू फिल स्विमिंग पूल टू पाइप्स आर यूज्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम का हो गया ये क्वेश्चन है ना। फिर इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट स्लोड डाउन, ठीक है, स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर इट्स सर्विस विद इतना 200 फ्लाइट इज इन 30 मिनट, फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट टू फाइंड द पूल टू पाइप्स आर यूज्ड इफ द पाइप लार्जर डायमीटर यूज्ड 4 आवर एंड पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर 1/2 ऑफ द पूल कैन फिल, फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया। 33 की बात करें प्रूव डैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट, ट्रायंगल चैप्टर का है ना, ट्रायंगल चैप्टर का। 34 नंबर क्वेश्चन ड्यू टू हैवी फ्लड इन स्टेट, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ इच टेंट इज सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की बात कर रहा है, ये मेंसुरेशन चैप्टर का हो गया, सर्फेस एरिया वॉल्यूम का। सॉलिड की बात कर रहा है, मेंसुरेशन का हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन स्टैट्स का हो गया। फिर आते हैं सेक्शन ई में, है ना, टाइलिंग की बात कर रहा है, टाइलिंग और इंसुलेशन ऑफ अ फ्लैट सरफेस इज द कवरिंग प्लेन, इतना ज्योमेट्रिक शेप्स कॉल्ड, इतना 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 आगे आ जाते हैं, क्या है क्या है क्या है क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो जाएगा ये क्वेश्चन है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। 33 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, द स्कूल एडिटोरियम दिया हुआ है, द चेयर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट सर्कुलर रो 30 सीट्स, हाउ मैनी सीट्स विल बी, देन 10th रो की बात कर रहा है, AP का क्वेश्चन हो गया, इसका और वाला पार्ट ये पूरा AP का क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, है ना, इसमें क्या है, ड्रॉ अ नीट लेवल्ड फिगर टू शो अबव, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स, व्हाट इज द शेप ऑफ
प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, ट्रैफिक ठीक है, रेगुलर बाई यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट के अंदर आ जाएगा। अब आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, है ना, 37 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हो गया स्टैंडर्ड पेपर, है ना, ये मैंने बस एक ऊपर ऊपर देख लिया कि कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से आया है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एक ओवरव्यू हो गया, ओवरव्यू हो गया आपका बेसिक और स्टैंडर्ड का, ठीक है ना। अब इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन अच्छे से एक एक क्वेश्चन का डिटेल में डालेंगे, उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।